أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक वबा करोना वायरस, उसकी वजह से स्कूल्स आप लोग के अभी क्लोज है, लेकिन आप लोग जो हो हम आपको ऑनलाइन वर्क आपका भेज रहे हैं और तमाम बच्चे उसको कर भी रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की मेरी ये वीडियो इस्लामियत की है, थर्ड क्लास की और फोर्थ क्लास के लिए। आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैंने कोई चैप्टर सिलेक्ट नहीं करा या कोई और काम नहीं। आज हम आपको इस वीडियो में एक इस्लामी वाकये की तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है बेटा कि हमारे हम दीन इस्लाम से बिलोंग करते हैं, मुसलमान हैं माशाल्लाह से, और हमारे जो अंबिया कराम हैं, 124,000 अल्लाह ताला ने पैगंबर को दुनिया में भेजा। हमें इन सारी बातों की नॉलेज है इस्लामियत में, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। तो आज का जो ये आपका इस्लामी वाक़या है वो इन्हीं अंबिया इकराम में से एक है, जिनका नाम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थोड़ी हिस्ट्री बताऊंगी कि वो कौन थे और उन्होंने क्या किया था। अब जैसे कि अगर हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अगर उनका ज़िक्र करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि जब वो दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे तो अल्लाह ताला ने उनको अपना पैगंबर बना के भेजा था, और ये कहा गया उन पे जब वही नाजिल की गई, और ये कहा गया कि आप दीन इस्लाम की तालीम को फैलाएँ, लोगों को बताएँ कि दीन इस्लाम क्या है, अल्लाह कौन है। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था, उन्होंने इंसानों को मुसलमान किया था और दीन तालीम दी थी, इस्लाम की दावत दी थी। ठीक है, इसी तरह तमाम अंबिया इकराम अल्लाह ताला ने जब इस दुनिया में भेजे तो उनके लिए कोई ना कोई एक मकसद रखा गया कि आपने दुनिया में जाके दीन इस्लाम का नाम जो है वो रोशन करना है। उन सब में से वैसे तो हर अंबिया इकराम की, यानी कि जितने भी पैगंबर हैं उन सब की अपनी एक एक हिस्ट्री है, हम इसे स्टोरी नहीं बोलेंगे, हम इसे हिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, जो तारीख है, अल्लाह ताला ने सबको किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा, और उनकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो भी आज हम इस्लामी वाक़े जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है इसमें आपको बताएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर क्या था। हर पैगंबर के जो लोग थे उनका दौर सबका अलग अलग था। ठीक है, यहाँ हम आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात करेंगे और आपको इस वीडियो में तमाम उनका जो बैक था उसके बारे में आपको बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, काइंडली आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसीलिए आप लोग का आज इस्लामियत में कोई काम नहीं है, जस्ट आपने इस वाक्य को, इस्लामी वाक्य को पूरा लास्ट तक सुनना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, फिरौन मिस्र का बादशाह था, वो बहुत जालिम था। उसने खुदाई का दावा करते हुए लोगों से कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे सजदा करो। चुनांचा हमान जो इसका वजीर ख़ास था, इसने सबसे पहले इसको सजदा किया, फिर दूसरे वजीरों और सरदारों ने सजदा किया, और जो लोग दूर दराज के रहने वाले थे इनके लिए सोने के मुजस्मे बनवाए। अच्छा, पहले मैं जो है आपको यहाँ पे ये हाईलाइट करवा दूँ कि फिरौन जो था वो काफिर था। ठीक है, फिरौन जो था वो मिस्र का बादशाह था, लेकिन वो बहुत वो जालिम था। वो नाउज़ुबिल्लाह कहता था लोगों से कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हें जो कुछ मांगना है, जो कुछ करना है, जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बोलो, तुम किसी और से नहीं बोलो। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, फिर इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। इनके नीचे हाथी के दांत, आबनूस और चांदी के तख्त रखे और
इनके आसपास सुनहरे दरख्त जड़वाए और इनकी पत्तियां जुमरद की तैयार कराएं और चांदी के परिंदे तैयार करवा के इनकी चोंच में जवाहर देकर दरख्तों की हर शाख पर बिठा दिए थे और हर जानवर में ऐसी तरकीब रखी थी कि जिस वक्त भी खादिम इस तख्त को हरकत देते तो इनके पेट में से ये आवाज़ निकलती कि ऐ मिस्र के लोगों, फिरौन तुम्हारा खुदा है, इसको सजदा करो। नाउज़ुबिल्ला। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सबको पता है कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और हम अपने ही अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है हज़रत मूसा अलैह सलाम की। अभी हज़रत मूसा अलैह सलाम का इसमें ज़िक्र नहीं है, वो आगे आएगा। ये पहले उनका बैक बताया गया कि जो मूसा अलैह सलाम के जो दौर के लोग थे वो किस तरह के थे। तो उनमें, उन दौर के लोगों में सबसे पहला नाम आता है फिरौन का, जो कि मिस्र का बादशाह था। आज भी अगर हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस में तो फिरौन की जो लाश है वो अभी तक इबरतनाक बनी हुई है, जो कि आज तक अल्लाह ताला ने उसको वैसी ही रखा है इंसान को इबरत दिलाने के लिए कि वो क्यों, क्योंकि फिरौन नाउज़ुबिल्लाह ये दावा करता था कि वो मिस्र के लोगों का वहाँ का बादशाह था और वो कहता था कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बोलो, तुम मेरे आगे झुको। और सबसे पहले उसका जो एक वज़ीर ख़ास था हामान, उसने सबसे पहले इस फिरौन को सजदा किया। उसके बाद उसके सरदारों ने उसको सजदा किया, मतलब इस तरह जोग दर जोग जो लोग थे वो फिरौन के आगे सजदा करते गए और नाउज़ु बिल्लाह उसको ही अपना खुदा मानते चले गए। और फिरौन ने उन लोगों के लिए जो लोग उसको सजदा करते थे उनको और लालच देने के लिए उसने बहुत कुछ किया, जैसे सोने चांदी के जेवर हैं, हाथी के दांत हैं, चांदी के तख्त वगैरह, उन सब के लिए बहुत उसने तरकीबें करी कि लोग इसके आगे ही झुकें और किसी और को अपना खुदा ना माने। इस आवाज़ को सुनकर हर कस्बे और गांव वाले इस मूर्ति के आगे सजदा रेस हो जाते, लेकिन बनी इसराइल इससे बाज रहे। हज़रत मूसा अलैह सलाम की विलादत से कबल फिरौन ने एक ख्वाब देखा। जब इसने ख्वाब की ताबीर पूछी तो इसे बताया गया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत ख़त्म कर देगा। चुनांचा इसने इस खौफ की वजह से हुक्म दिया कि बनी इसराइल के जिस घर में भी लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। 2 साल तक बनी इसराइल पर इस तरह जुल्म होता रहा। जब हज़रत मूसा अलैह सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा को बड़ी फिक्र हुई कि उनके इस बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। वो इसी फिक्र में थीं कि अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो इन्हें एक संदूक में डालकर दरियाए नील में छोड़ दें। जैसा कि आप लोगों को भी मैंने बताया स्टूडेंट्स के फिरौन जो था वो एक बहुत जालिम बादशाह था और वो ये चाहता था कि लोग जो हैं उसके आगे सजदा करें। इसी तरह जो उसका उसके वजीर थे, जो उसके सरदार थे, वो सब उसके आगे झुकते गए, सजदा करते रहे और वो सबको यही बोलता रहा। लेकिन बनी इसराइल के जो लोग थे वो उसके इस बात को नहीं मानते थे, बल्कि वो इन सारी चीज़ों से बाज रहते थे। फिर हज़रत मूसा अलैह सलाम की विलादत से कबल, यानी कि जब उनकी पैदाइश से कबल, फिरौन ने एक ख्वाब देखा था। वो अपने इस ख्वाब से बहुत ज़्यादा डर गया था। उसने एक शख्स से इस ख्वाब की ताबीर पूछी तो उस ताबीर से उसको पता चला कि बनी इसराइल यानी कि कबीले में बनी इसराइल के एक लड़का पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को ख़त्म कर देगा। फिरौन ये सुनकर बहुत खौफज़दा हो गया कि अगर कोई वाकई ऐसा पैदा हो गया तो मेरी सारी जो हुकूमत है, जो मैं यहाँ का बादशाह हूँ, वो तो सब ख़त्म हो जाएगा। तो उसने ये फ़ैसला किया कि बनी इसराइल में जितने भी लड़के पैदा होते जाएंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह से 2 साल तक वही सिलसिला चलता रहा कि बनी इसराइल में जिस घर में जो भी लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर दिया जाता। 2 साल तक इस तरह बनी इसराइल पर इन्होंने मिस्र के बादशाह फिरौन ने जुल्म घारता रहा।
फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा जो थी उन्हें बहुत फ़िक्र हो गई कि 2 साल से फिरौन जो है वो हर लड़के को, जो भी लड़का पैदा होता है उसे कत्ल करवा देता है, तो क्या मेरे बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाएगा। वो इसी फ़िक्र में रहती थी कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, यानी कि अपने बच्चे को, संदूक में डालकर दरिया नील में छोड़ दें। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बस जिसको अल्लाह ताला ने बचाना होता है, अपने पास रखना होता है, अल्लाह ताला किसी भी तरह से वो बात दिल में डाल देते हैं। फिर इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वालदा ने दरिया में क्यों डाला था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि पिछले 2 साल से फिरौन जो कि मिस्र का बादशाह था बच्चों, वो क्या कर रहा था, वो जितने भी बनी इसराइल में लड़के पैदा हो रहे थे उन सबको वो कत्ल कर रहा था। इसी वजह से वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा बहुत डर गई थी और उन्होंने अपने बेटे को एक दरिया नील में टोकरी में रख के, संदूक में रख के डाल दिया था। अल्लाह ताला ने उनसे ये वादा किया था कि वो इनको सही सलामत वापस ले लेंगे, मतलब एक जगह कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसा ही किया। अल्लाह की कुदरत से संदूक पानी में तैरता हुआ फिरौन के महल के करीब से गुज़रा। संदूक को फिरौन और उसकी मलका बीबी आसिया ने देख लिया। फिरौन ने उस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया, मगर बीबी आसिया ने कहा कि नहीं नहीं, ये बच्चा हमारी मुसर्रत और खुशनूदी का बायस होगा, इसे कत्ल मत करो, इसे अपनी फर्जंदी में ले लो। बीबी आसिया की बात सुनकर फिरौन मान गया और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी फर्जंदी में ले लिया। अब जैसे अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में ये बात डाली कि आप इन्हें एक संदूक में रख के दरिया नील पर छोड़ दें, उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन वही जिसे अल्लाह रखे उसे कौन, अल्लाह ताला की जो कुदरत थी वो संदूक पानी में तैरता हुआ कहाँ गया, फिरौन के घर के करीब से गुजर रहा था। अब अल्लाह ताला ने फिरौन को तो ख़त्म करना था ना, उसकी बादशाहत को ख़त्म करना था। अल्लाह ताला किसी भी तरीके से, कहीं कैसे भी करके जो काम उसने करना है वो करेगा, हर जगह उसकी ही बादशाहत है बेशक। तो संदूक को फिरौन की जो मलका थी जिसका नाम बीबी आसिया था, उसने उस संदूक को पानी में तैरते हुए देख लिया था। फिरौन ने सोचा कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर देता हूँ, उसने हुक्म भी दे दिया। लेकिन जो उसकी मलका थी बीबी आसिया, उसने कहा कि नहीं, ये बच्चा तो हमारी मुसर्रत है, हमारी खुशियाँ हैं और हो सकता है कि हमारी खुशनूरी का बायस भी हो जाए, तो इसलिए इसे कत्ल मत करो और बल्कि अपने इसको अपना नाम दो, हम इसको अपना बेटा बनाएंगे। बीबी आसिया की, यानी कि अपनी मलका की बात सुनकर फिरौन जो है वो खामोश हो गया, वो मान जाता है और वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी फर्जंदी में ले लेता है, यानी कि उनको एक नाम दे देता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। अब यहाँ मैं आपको बैक का बताऊँ कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा था जिसमें वो डर गया था। जब उसने ख्वाब की ताबीर मालूम की थी तो उस ताबीर से उसको पता चला था कि बनी इसराइल में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो फिरौन की बादशाहत को, हुकूमत को नीस्तो नाबूद कर देगा। लेकिन वही जिसे अल्लाह ने चुन लिया है अपने काम के लिए, सो चुन लिया है। बनी इसराइल ने पिछले दो साल से जितने बच्चे पैदा होते रहे उन सबको, वो लड़कों को मारता रहा, कत्ल करवाता रहा कि कोई उसकी हुकूमत को, कोई उसकी बादशाहत को नीस्तो नाबूद नहीं कर सकता। लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि उसकी बादशाहत से बढ़कर भी एक बादशाहत और है जो कि अल्लाह की है, उसके आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम एक मामूली से इंसान हैं, एक धूल के बराबर भी नहीं हम। तो अल्लाह ताला ने उसको, फिरौन को ये दिखाना था कि उस बच्चे को अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखा, उसकी वालदा के दिल में ये बात डाली, उसको बिल्कुल ज़िंदा रखा और एक संदूक में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम संदूक के अंदर थे, पानी में तैरते हुए वो कहाँ से गुजरे, फिरौन के ही महल के करीब से गुजरे और वो फिरौन के ही घर में, वो उनकी जो मलका थी बीबी आसिया, उन्होंने ही अपने पास फिरौन के ही घर में उनको रखा हुआ था।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े मर्तबे वाले नबी थे। इनको फिरौन का जुल्म और उसकी ज़्यादती बिल्कुल पसंद ना थी। आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को तौहीद की दावत दी, उसे समझाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद माबूद है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ना इससे पहले कोई खुदा था और ना इसके बाद कोई खुदा होगा, इसका कोई शरीक नहीं, वो आला सिफात का मालिक, हर नुक्स से पाक और बेऐब है। अब हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, जो कि एक अंबिया इकराम में से थे, बड़े मर्तबे वाले नबी थे जिन्हें अल्लाह ताला ने पसंद किया था कि वो फिरौन जैसे इंसान को शिकस्त दें और दुनिया में दीन इस्लाम का नाम फैलाएं अपने दौर के लोगों में। तो हमारे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे वो एक बड़े मर्तबे वाले नबी थे, उनका एक बुलंद किरदार था। वो फिरौन की इस हरकतों को, उनकी ज़्यादती को वो पसंद नहीं करते थे, बल्कि वो ख़ुद फिरौन को तौहीद की दावत देते थे। तौहीद की दावत मतलब अल्लाह ताला की तरफ रागिब करते थे, उन्हें समझाते थे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ना इससे पहले कोई खुदा था ना इसके बाद कोई खुदा आएगा, और वो तमाम नुक्स से, हर चीज़ से वो पाक है, तमाम ऐप से पाक है वो। लेकिन वही जो फिरौन था वो उनकी इस बात पे डटा रहा कि नहीं, मैं ही खुदा हूँ, मुझे ही सब पूछो। फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को ठुकरा दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि फिरौन ने आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर पहले से ज़्यादा जुल्म ढाने शुरू कर दिए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात की तारीकी में मिस्र से निकल गए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को तौहीद इस्लाम की दावत दी यानी दीन इस्लाम की दावत दी और कहा कि आप इन सब को छोड़ के एक अल्लाह पे भरोसा रखें, एक अल्लाह पे ईमान लाएं, लेकिन फिरौन जो कि वो कहता था कि मेरी बादशाहत है, मेरी हुकूमत है, मैं इससे बाहर कभी नहीं निकलूँगा, तो फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात तमाम बातों को ठुकरा दिया और उसने एक इरादा कर लिया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देगा। तो उसने क्या करा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, उनमें से वो लोग जो कि मुसलमान हो गए थे, उसकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को मानने लगे थे, सुनने लगे थे, फिरौन ने क्या करा, पहले से ज़्यादा उनके कौम पर ज़ुल्म सितम करने लग गए। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब देखा तो वो अपनी कौम के साथ एक रात में, मतलब रात की तारीकी में मिस्र से निकल गए, यानी कि उन्होंने अपने शहर को छोड़ दिया। जब फिरौन को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल समेत मिस्र से निकल जाने की ख़बर मिली तो वो अपने लश्कर समेत इनकी तलाश में निकला और सुबह तक इनके करीब पहुंच गया। यानी कि जब फिरौन को ये मालूम हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक बड़े मर्तबे वाले नबी हैं, वो अपनी कौम यानी बनी इसराइल के साथ उन सबको लेके मिस्र से निकल चुके हैं, जब उसको ये ख़बर मिली तो वो बहुत गु़स्से में हुआ और वो अपने लश्कर समेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल गया और सुबह तक फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ढूंढ लिया या उनके करीब पहुंच गया। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ दरियाए नील के सामने पहुँच चुके थे। यानी जब फिरौन अपने लश्कर को लेके उन तक पहुंचा तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के सामने पहुंच चुके थे। अब आगे दरिया था और पीछे फिरौन का लश्कर। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी दरिया पर मारे। उन्होंने लाठी मारी तो दरिया फट गया, पानी पहाड़ की तरह ठहर गया और इसमें रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर दरिया पार कर लिया, जबकि फिरौन का लश्कर दरिया पार करते हुए दरिया नील के बीच में पहुंचा ही था
कि उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी दोबारा मारी तो रास्ता ख़त्म हो गया और फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया। जब फिरौन डूब रहा था तो उसने अल्लाह को पुकारा कि मैं ईमान लाया, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब देर हो चुकी है, ईमान के इकरार का वक्त गुजर चुका है। दरिया अबूर करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सहरा सीना में छोड़कर कोहे तूर पर चले गए और वहीं उन पर अल्लाह ताला की तरफ से पहली आसमानी किताब तौरात नाजिल की गई। यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने बनी इसराइल कौम को लेके जब मिस्र से निकल गए थे और इस बात की खबर हज़रत मूसा फिरौन को पहुंच गई तो वो अपने लश्कर समेत उनको ढूंढने के लिए निकल गया और शाम तक जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने देख लिया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया नील के पास पहुंच चुके थे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं कि आगे तो दरिया है और पीछे फिरौन का लश्कर है, वो बड़े परेशान। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के अल्लाह ताला ने दिल में ये बात डाली थी कि आप अपने बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरिया में वो कर दें, दरिया नील में। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी लाठी दरिया पर मारें। उन्होंने जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बुलंद मर्तबे वाले नबी थे, उन्होंने अल्लाह ताला की बात मानी और लाठी को ज़मीन पे मारी तो वो क्या देखते हैं कि दरिया फट गया, पानी जो है पहाड़ की तरह ठहर गया, यानी जो पानी बह रहा था वो वहीं का वहीं रुक गया और इसमें अपने आप रास्ता बन गया। तो जब रास्ता बना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके उस रास्ते से गुजरने लगे। रास्ता जैसे ही वो उन्होंने दरिया पूरा पार कर लिया तो फिरौन अपने लश्कर समेत वो वहाँ से गुजर ही रहा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपनी लाठी को मारा तो वो जो रास्ता बना था वो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिरौन अपनी पूरी कौम के साथ जो उसके साथ लोग आए थे लश्कर में वो सब उस पानी में डूब गए। लेकिन फिरौन क्या था, जब वो डूब रहा था तो वो चिल्लाने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ अल्लाह ताला पे। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अब वक्त ख़त्म हो चुका है, अगर फिरौन वो पहले कर लेता, पहले ईमान ले आता तो ऐसा शायद ना हो। लेकिन फिरौन ने ऐसा नहीं करा, नाऊज़ बिल्ला, वो ख़ुद को बहुत बड़ा बादशाह समझता था, उसकी हुकूमत थी पूरे मिस्र पर। लेकिन क्या हुआ कि वही बात कि अल्लाह ताला जो कि हमारा बादशाह है उसकी बादशाहत दुनिया की बादशाहत से बहुत दर्जे आगे है। तो जब वो डूब गया पानी के अंदर तो अल्लाह ताला ने हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी एक आसमानी पहली किताब तौरात नाजिल की। सो स्टूडेंट्स, ये कोहे तूर है, ठीक है, कोहे तूर सीना, जहाँ पे हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे तौरात नाजिल की गई, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। सो आज की मेरी वीडियो जस्ट एक इस्लामी वाक़या थी, एक हिस्ट्री थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे, जो कि मैंने आप तक शेयर की, आपको बताई। सो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।